इचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इचा डैम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और इचा डैम क्या करेगा? सत्यानाश करेगा। मुर्दाबाद, 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 दीपक बिरला मुर्दाबाद, 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 दीपक बिरला मुर्दाबाद, 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 चंपई सोरेन मुर्दाबाद, 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 चंपई सोरेन मुर्दाबाद, 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 इचा डैम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज तांतनगर प्रखंड के गंजिया ग्राम में इच्छा कड़काई बांध विरोधी संघ के द्वारा जन जागरण सह जन आंदोलन चलाया जा रहा है कि विगत 45 वर्षों से यहाँ के मूलवासी आदिवासी विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति करते हुए हम आदिवासियों को, हम मूलवासियों को छलने का काम किया है। हर बार चुनाव के महापर्व में सिर्फ जो है जुमला के तौर पे यहाँ के मुद्दों को उठाते हैं और सदन में इस बातों को जो है ना उठाते तक नहीं हैं और सिर्फ आश्वासन के तौर पर यह मुद्दा बन के रह जाता है। आज हम लोग स्थानीय विधायक निर्मल पूर्ति जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आप पिछले 15 सालों से जो है ना यहाँ पर आप विराजमान हैं, काबिज हैं और सत्ता में आपकी सरकार है और 2014 के चुनाव में आपने ये वादा किया था कि यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को और यहाँ के ग्रामीणों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और इचा डैम को रद्द करके यहाँ के लोगों को एक सौगात देंगे। लेकिन आज आपकी सरकार के 5वां साल गुजरने को है और सामने में चुनाव भी आ गया है। ऐसे में हम लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि आप इचा डैम के मुद्दे पर अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, अब विस्थापितों के साथ हैं कि नहीं हैं, अगर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए, अगर हैं तो ये सदन में कब तक आएगा, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून सत्र में आपकी सरकार द्वारा या आपके द्वारा इसे डैम को रद्द करने के लिए कोई योजना है या इसको रद्द करने का आप लोग प्रस्ताव लाएंगे, ये हम सब तमाम विस्थापितों की ओर से ये सवाल करते हैं। सबको जोहार। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि 2014 में 29/9/2014 को जनजाति सलाहकार परिषद की ओर से उपसमिति का गठन हुआ था और इस जनजाति उप सलाहकार समिति की उपसमिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी थे, उस समय आदिवासी कल्याण मंत्री थे, वर्तमान दीपक बिरुआ जी जो वर्तमान में मंत्री है अनुसूचित जनजाति कल्याण का, उस समय टीएससी के सदस्य भी थे और जनजाति उपसमिति के सदस्य भी थे, और गीता कोड़ा जी वो भी सदस्य थी और सचिव प्रशासक दोनों थे, जल संसाधन मंत्रालय झारखंड सरकार के सचिव इसके सदस्य थे और प्रशासक उपायुक्त इस कमेटी के सदस्य थे। इन्होंने स्थल भ्रमण के उपरांत 126 गांव पर होने वाले प्रभावों का निरीक्षण करने के लिए स्थल निरीक्षण किया था 2014 में। तांतनगर में, सोसोहातु में और निमडी, इन तीनों जगहों पर विस्थापितों का मंतव्य को जाना और 16/10/2014 को इन्होंने डिसीजन दिया। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे 2014 में, अर्जुन मुंडा के बाद दूसरा काल में मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी थे। आज वर्तमान समय में जिसको उन्होंने 2014 में अनुशंसा किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, मैं आप सबों को इस मंच के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय चंपई सोरेन जी, आपने हस्ताक्षर किया था, गीता कोड़ा जी और दीपक बिरुआ जी, आप तीनों ने हस्ताक्षर किया है 16/10/2014 को, जिसमें आपने जनजाति सलाहकार परिषद जो एक संवैधानिक संस्था है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सुशासन
और आर्थिक विकास और उन्नति का संवैधानिक संस्था आप जनजाति सलाहकार परिषद है। इन्होंने अनुशंसा किया था कि जनजाति क्षेत्रों में प्रचलित नियमों अधिनियमों की अनदेखी कर बन रही इच्छा करकई बांध को अविलंब रद्द किया जाए। परियोजना हेतु अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि, धार्मिक स्थल, कब्र स्थान, नदी इत्यादि से अपना आधिपत्य हटाया जाए, साथ ही रैयतों को उसकी भूमि वापसी सुनिश्चित किया जाए। उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत राशि का खर्च प्रभावित 126 गांव के उत्थान के लिए खर्च किया जाए और 124 गांव के जनजाति के हितों की रक्षा के लिए शहादत देने वाले गंगाराम कलुंडिया के परिवार के आश्रितों को सम्मान और नौकरी दी जाए। हम आशा करेंगे कि इस मानसून सत्र में आप इन जो संवैधानिक संस्था द्वारा लिए गए निर्णय का आप पालन करेंगे, अन्यथा आने वाले समय में भारत का संविधान के आलोक में आप राजनीतिक दल के रूप में, आप मुख्यमंत्री रूप में या विधायक के रूप में, आप सबों के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे कि इस प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर रहते हुए भी आपने इस निर्णय को जो लिखा है 16/10/2014 का, उसका अवहेलना किया है। सबको जोहार। सरकार हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन अगर डैम रद्द नहीं करती है तो हम लोग इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में इनको करारा जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे, क्योंकि इन्होंने बस हमें ठगने का काम किया है। लगभग 15 सालों से यहाँ जो वर्तमान विधायक हमारे हैं निरलपुर्ति, इस पर एक बात नहीं रखते हैं, रखते हैं बात नहीं, एक बात भी नहीं रखते हैं हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, एक बात भी नहीं रखते हैं। जब कभी मुख्यालय में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो खाली गाड़ी भेज कर यहाँ पर लोगों को, यहाँ से गाड़ी गाड़ी लेकर चल जाते हैं और कहते हैं कि हमारा आज जो जनता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनता है, लेकिन जनता भी तरहवाम हो चुकी है। क्या आप इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देंगे? नहीं देंगे। क्या आप उनसे ठगा है? अभी लगे टिक नहीं पड़ी इतने ना तक रहे दो नैन बार अब उन्हें वोट रहे चौटते अकवा होने लगे तो कहा गया अब हमको लगे वोट भाई में ना हर साल वो नहीं लेना अकवा हमको लगे वोट में इतना सर चिका गया आको वोट में इतना अकवा हमको बार रह पड़ा उतना को ना जो बामा जी ने लमाया हम इसे तेंगू इतने एन तो आको को तेंगू ने को ना के। इस वीडियो के माध्यम से मैं अवगत करा देना चाहूंगा कि अगर 2 महीने के अंदर में इस डैम को लेकर के कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक सिरे से खारिज करेंगे, चाहे यहाँ भाजपा की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे किसी और की भी सरकार आए, हम लोग इस बार निरलपूर्ति को करारा जवाब देंगे।